गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मैथ्स एंड योर टॉपिक इज लार्ज नंबर्स। स्टूडेंट्स, वी लर्न दिस टॉपिक लार्ज नंबर्स इन लार्ज नंबर्स पार्ट वन। इन पार्ट वन वी लर्न अबाउट रिवाइज क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस इन पार्ट टू, देन एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटेड इन पार्ट टू। देन स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट नाउ कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स। स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट नाउ कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी स्टार्ट एनी टॉपिक देन आवर माइंड इज many questions. First question is, why it is topic? What is topic? Why it is topic? So what is topic? So topic is comparison of large numbers. Why comparison of large numbers? Okay students, अभी हम लोग LKG UKG में तो है नहीं, fifth class में, कहाँ पे है? फिफ्थ क्लास में है, और फिफ्थ क्लास में 1-2 तो पढ़े ही। इन नेचुरल नंबर्स से हम लोग जो लार्ज नंबर्स बन रहे हैं उनका कंपेयर करेंगे। होता क्यों है कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स? अगर कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स होगा नहीं तो हम बहुत से रिच लोग होते हैं, बहुत सी मैनी थिंग्स होती हैं जो लार्ज नंबर्स में होती हैं, तो उन पर कंपेयर कैसे कर सकेंगे, है ना। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लार्ज नंबर्स पार्ट थ्री, और पार्ट थ्री में कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स, ओके। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टीच अबाउट कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स इन लैंग्वेज ऑफ योर बुक। इन लैंग्वेज ऑफ योर बुक, सो योर व्हेन वी कंपेयर टू नंबर्स वी नो that the numbers with more digits is the greater number. When we compare two numbers like 6, 7, 8, 9 and 8, 4, 3, 2. When we compare two numbers, we know that the numbers with more digits is the greater number. Student, जब numbers more digit का होगा तो वो greater than होगा, है ना, greater number होगा। तो इफ बोथ द नंबर हैव द सेम नंबर, इफ बोथ द नंबर हैव सेम नंबर लाइक 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, इफ बोथ द नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स मीन्स 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है ही नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। तो क्या करना है, देन द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट इन द लार्जर प्लेस वैल्यू, then the number with the greater digit in the largest place value is the greater number. Before comparing large numbers, let us learn about succession and tradition. So student, comparison of large numbers को read करने से पहले हमें क्या करना होगा, succession और tradition को क्या करना होगा, read करना होगा। Clear student? क्या learn करना होगा, succession and tradition. So what is succession and what is tradition? So चलिए start करते हैं। So students, start करते हैं successions and traditions. What is successions? What is traditions? Why it is called successions? Why it is called traditions? So students, successions means succession word is defined as success, means जब स्टूडेंट आपको कोई सक्सेस मिलती है तो आप क्या कहते हैं, सक्सेस हुए ना, सफलता प्राप्त हुई, means क्या हुए, आप आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़े बेटा तो उसी सक्सीजर को हम कहते हैं मोर देन, means द सक्सीजर ऑफ अ गिवन नंबर इज वन मोर देन द गिवन नंबर। इन मैथमेटिशियंस लैंग्वेज द सक्सीजर इज अ नंबर, द सक्सीजर इज अ नंबर वन मोर देन द नंबर,
नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए प्रेडिशंस बता देते हैं क्यों इसे हम सक्सीजर कहते हैं। क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, वन मोर देन हो जाता है। देखिए वन प्लस लगाया है, इट मीन्स कोई भी नंबर में अगर वन मोर देन हुआ है उस नंबर से, तो वो क्या हो जाएगा, सक्सीजर हो जाएगा। लाइक दिस नंबर, इसे सेपरेट करो पहले, वन टेंस हंड्रेड, थाउजेंड टेन थाउजेंड, लैक और टेन लैक। अब इस नंबर को आप रीड करिए, 38,26,940 स्टूडेंट। अब जब इसे हमें क्या करना है, सक्सीजर में जाना है, तो हम क्या कर देंगे, वन मोर कर देंगे। और जब वन मोर करेंगे मतलब वन उसमें ऐड कर देंगे, एक वन इसमें ऐड कर देंगे, तो 38,26,941 हो जाएगा। क्लियर, केवल वन मोर ही तो किए हैं, तो यहाँ 40 था, यहाँ 41 हो गया। सो इसलिए हम इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, सक्सीजर कहते हैं, क्योंकि इसमें वन मोर होता है। और प्रेडिशर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वन क्या होता है, लेस होता है। देखिए माइनस का साइन लगाया है, तो वन इसमें क्या होता है, लेस होता है। क्लियर, देखिए 40 था, सब कुछ क्लियर है, 38 लाख है, 26,000 है, बट यहाँ 939 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वन यहाँ पे माइनस कर दिया। आप करके देख लीजिए, देखिए 38 सेम है, 26,000 भी सेम है, 26 भी सेम है, 940 और 930 में आप कर लीजिए, वन माइनस कर लीजिए 940 में से। जब वन माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 माइनस वन नाइन, 3 और 9। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर नहीं क्लियर, तो ये क्या हो गया, प्रेडिक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, सक्सीजर। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप सक्सीजर और प्रेडिक्शन में, यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, रीड करते हैं अपने इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम में, न्यूमरेशन में। तो वंस टेंस हंड्रेड नंबर्स देख लीजिए पहले, आपका नंबर क्या है, तो नंबर है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक और करोड़। कितने करोड़, 3 करोड़। अब 3 करोड़ में जब आप क्या करेंगे, वन मोर करेंगे, तो 3 करोड़ वन ही तो होगा, क्योंकि वन ही तो प्लस कर रहे हैं, तो चलिए वन प्लस करेंगे, तो क्या होगा, 1 0 0, वन प्लस तो कर रहे हैं, वन मोर कर रहे हैं, 0 0, ये भी 0 0 ही होगा, ये भी 0 0, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए ये आया 3 करोड़ और वन। यही जब आप बेटा क्या करते हो, वन माइनस कर देते हो, क्या कर देते हो, वन माइनस कर लो। देखिए इसी जगह पे आप क्या कर लीजिए, वन माइनस कर दीजिए, तो देखिए 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, कैरी लेंगे यहाँ से, इसके पास से भी नहीं होगा, तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 माइनस 1, 9 9 9 और 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये 2। क्यों, क्योंकि वन कैरी दिया है इसने सबको, उसने उसको कैरी दिया, उसने उसको कैरी दिया। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक और 10 लैक, उसके बाद करोड़, मीन्स 2,99,99,999। तो बेटा प्रेडिक्शंस भी समझ में आ गया और सक्सीजर भी आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स में। देखिए अब अगर आपने देखा बेटा यहाँ पे कि जब हम मोर करते थे तो केवल अगर वन मोर होता था तो प्लेस कहाँ पे, केवल वंस की प्लेस पे ही है ना। तो चलिए रिकॉल द रूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नंबर विद मोर डिजिट्स इज द ग्रेटर नंबर। सेकंड है, इफ बोथ नंबर हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, इफ बोथ नंबर्स हैव इक्वल नंबर्स ऑफ डिजिट, देन द नंबर विद अ ग्रेटर डिजिट इन द लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू इज द ग्रेटर नंबर। स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं। मैंने पहले भी बताया था, इफ बोथ नंबर हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना, इफ बोथ नंबर हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, लाइक 3 4 6 8 4 9
है. नेक्स्ट है 3, 4, 8, 8, 5, 7. स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था रूल्स, कि फर्स्ट कि द नंबर विद मोर डिजिट्स इज द ग्रेटर नंबर. जिसमें बेटा क्या होगा, बहुत सारे डिजिट होंगे वो क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा. अब ग्रेटर नंबर को ही लार्ज नंबर बोलते हैं. इनका हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. कंपेयर करने के बाद सेकंड रूल हमारा कहता है बेटा कि इफ द इफ बोथ नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, बोथ नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ क्या चीज, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स या सेम नंबर ऑफ डिजिट्स. तो इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, देन द नंबर विद अ ग्रेटर डिजिट इन द लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू इज द ग्रेटर नंबर. देन द नंबर विद अ ग्रेटर डिजिट, जो नंबर ग्रेटर डिजिट का होगा अपने प्लेस वैल्यू में, वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा. तभी हम कंपेयर करेंगे. भाई यहां तो कंपेयर करना इजी था ना, ये 8, ये 9, कौन ग्रेटर, 9. लगा दिया क्रोकोडाइल का मुंह, ओपन कर दिया, क्लियर हो गया. बट यहाँ कैसे करें भाई, तो यहाँ करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले काउंट करते हैं कि क्या नंबर ऑफ डिजिट सेम है. अगर सेम है तो क्या करेंगे, उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर देंगे. अब देखिए, अगर सेम नहीं है, मान लीजिए यहाँ 3, 4, 6, 8, 4, 9 है और यहाँ पे क्या है 48,857. देखिए बहुत इजी हो गया कंपेयर करना. कैसे कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तो 5 है. जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट है वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट, क्लियर या नहीं क्लियर, बोलिए. क्लियर हो गया ना, तो लेट अस कंपेयर द नंबर. ठीक है, क्या करते हैं, नंबर्स को कंपेयर करते हैं. क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. कैसे करेंगे, एक नंबर है हमारे पास और वो नंबर क्या है, चलिए देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कंपेयर द नंबर्स. सो स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर्स हैं हमारे पास और इनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. कंपेयर करने से पहले बेटा हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि क्या इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है. तो बोथ द नंबर आर 8 डिजिट्स नंबर्स, काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्लियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो क्या करेंगे, राइट द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. सो स्टूडेंट, इस नंबर को हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर देंगे. क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं 1 से. फर्स्ट नंबर को 8, 10 की प्लेस पे 9, 100 की प्लेस पे 8, 1000 की प्लेस पे 9, 10,000 की प्लेस पे 8, फिर लाख की प्लेस पे 9, 10 लाख की प्लेस पे 8 और करोड़ की प्लेस पे 9. ऐसे सेकंड नंबर को 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 8, 9, फिर 9, फिर 8, नेक्स्ट 9, 8 और 9. देखिए स्टूडेंट, इसको हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू चार्ट में नोट कर दिया. अब हमें क्या करना है, कंपेयर करने के लिए सर्कल द ग्रेटर डिजिट इन द लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू. सर्कल करना है हमें क्या, सर्कल करना है ग्रेटर डिजिट इन द लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू. स्टूडेंट देखिए, करोड़ में चेक करते हैं तो क्लियर है, इसमें भी इक्वल, इसमें भी इक्वल, 10 लाख में भी इक्वल है, लाख में भी क्या है, इक्वल है, इक्वल है, नहीं इक्वल है. बट 10,000 में क्या है, इस वाले में ये नंबर ग्रेटर है या नहीं है. अब अगर बेटा ये ग्रेटर हो गया, 10,000 की प्लेस वैल्यू में जो ये वाला नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो भाई ये नंबर ही ग्रेटर हो गया. क्यों, हो गया नहीं हो गया. स्टूडेंट लुकिंग एट द नंबर
from left to right, the first three digit are the same. First three digit are the same. देखिए, left to right जाइए. Left to right, three digit same है या नहीं है? बोलिए. The first circle digit is 9 in the 10,000 column of the second number. Of the second number, ये first number था, ये second number. है नहीं है, बताइए. है ना? तो compare the place value of the digits at this place for both the numbers. So student, हमारा ये वाला number क्या हो जाएगा? ये वाला number greater हो जाएगा और ये number smallest हो जाएगा. बोलिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये हम sign इसमें use कर रहे हैं. Student, clear हुआ? Compare the numbers. इस तरीके से आप अपनी exercises में कर लीजिएगा, ठीक है? और वरना तो आप जानते हैं, ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं. यहाँ पे कंपेयर करते हैं, 9 करोड़ 9 करोड़, 89 लाख 89 लाख सेम है. यहाँ 89,000 है, यहाँ 98,000 है नहीं है? जो 98,000 है तो वो ग्रेटर होगा, आप लगा दो. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम बात करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट, इससे पहले भी आपने चैप्टर्स में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या किया था, पढ़ा था. तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं. एक बार हम आपको बता देते हैं असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है. असेंडिंग ऑर्डर, स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर. देखिए, आपने स्टूडेंट सक्सीजर प्रेडिक्टर पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बोलिए, पढ़ा था ना आपने सक्सीजर प्रेडिक्शन पढ़ा था. देखिए, जैसे सक्सीजर प्रेडिक्शन होता है उसी अकॉर्डिंग हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है. सक्सीजर पे में वन मोर देन होता है, प्रेडिक्शन में वन लेस देन होता है. बट असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सो स्टूडेंट्स, अभी देखिए, जब आपको क्या करना था, छोटे छोटे डिजिट थे 9, 8, 4, 10, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना था. तो हमने आपसे कहा स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट करिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4, उसके बिगेस्ट 8, फिर उससे बिगेस्ट 9, फिर उससे बिगेस्ट 10. स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट हो गया, छोटे छोटे नंबर थे आपने कर दिए. बट अब जो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे वो कैसे करेंगे बेटा, वो करेंगे लास्ट नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो चलिए लास्ट. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर्स को स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, नंबर्स को नोट करेंगे. जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स को नोट करने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, एक अपनी चार्ट बनाएंगे. चार्ट में उन के प्लेस वैल्यू को नोट करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़ और 10 करोड़. इसके बाद क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे अपने ए नंबर से. ए नंबर में जो है हमारा वो क्या है, देखिएगा, स्टार्ट करिएगा, कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट नंबर है. तो 8 डिजिट नंबर हम लोग स्टार्ट कर देंगे और नोट कर देंगे. देखिए, 1 पे 1, 10 पे 1, 100 पे 2, 10,000 पे 1, है नहीं? बोलिए, 10,000 पे 1 है या नहीं है, बताइए. नंबर्स क्या है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, नोट कर दिया. बी नंबर में क्या है, 1, 2, 1, 2, फिर 1, 2, फिर 1, 2 और 1, 2, 1. सी नंबर को नंबर भी हमने नोट कर दिया बेटा इसी अकॉर्डिंग. डी नंबर में भी हमने नोट कर दिया और ई नंबर में हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया नंबर्स को. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, करना बहुत ही आसान होगा. सबसे अगर हमें स्मॉलेस्ट करना है, क्या करना है हमें, स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, कि यहाँ पे कि जो है सबसे कम डिजिट वाले नंबर्स कौन कौन से हैं, सबसे कम डिजिट वाले नंबर्स कौन कौन से हैं. तो देखिए, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है,
बोलिए कंपेयर द डिजिट्स, देखते हैं हम पहले टू डिजिट्स को ना एट डिजिट वाले नंबर्स को कंपेयर करते हैं। एट डिजिट वाला नंबर कौन कौन सा है? एक तो ये है, बोलिए एक तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। एट डिजिट का नंबर ये भी है, एट का ये भी है, ये सॉरी ये तो नाइन का है, ये भी एट का है। एक और दो, दो नंबर्स ऐसे हैं जो एट डिजिट के हैं, है ना। एट डिजिट में एक तो वन हो, करोड़ पे वन है, करोड़ पे टू है, क्लियर। देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से समझ लीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे छोटे छोटे डिजिट वाले नंबर कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे भी ये तो नाइन डिजिट का नंबर है, और ये कितने डिजिट का नंबर है? एट डिजिट का नंबर। ये भी एट डिजिट का नंबर है, ये नाइन और ये नाइन डिजिट का नंबर। तो हम एट डिजिट वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे करोड़ के प्लेस पे वन है, यहाँ पे करोड़ की प्लेस पे क्या है बताइए, यहाँ पे करोड़ की प्लेस पे क्या है? टू है। अगर ये टू है तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ए नंबर। अब उसके बाद कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। बोलिए उसके बाद कौन सा नंबर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। देखिए ए और सी में तो कंपेयरिंग हो गई हमारी। अब तीन डिजिट्स बचते हैं, बी डी और ई। अब बी डी और ई में हमें कंपेयर करना है, तो बी और डी और ई, बी डी ई में हम देखेंगे तो बी और डी का तो हमारा क्या है, 10 करोड़ की प्लेस पे तो सेम है। अब करोड़ की प्लेस पे देखते हैं तो यहाँ टू है और यहाँ पे वन है। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन होगा बेटा? टू स्मॉलेस्ट होगा कि वन स्मॉलेस्ट होगा? वन स्मॉलेस्ट होगा। और वन अगर स्मॉलेस्ट होगा, अगर वन हमारा स्मॉलेस्ट होगा तो मतलब ये नंबर हमारा छोटा होगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, डी वाले को नोट कर देंगे। इसके आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब तो इसका भी काम फिनिश हो गया। बचते हमारे पास कौन कौन से हैं भाई? अब उसके बाद तो यही है ना, डी, और क्या लास्ट में बचता है? ई नंबर, है ना। लास्ट में क्या बचता है? ई नंबर। बोलिए बचेगा नहीं बचेगा? तो आप इसी जो हमने यहाँ पे नंबर्स को नोट किया था, इसी अकॉर्डिंग आप नंबर्स को क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। समझ में आई बात? नहीं आई बताइए। अब आप क्या करिए, नंबर्स को नोट कर दीजिए। तो चलिए नंबर्स को नोट कर देते हैं। ए के प्लेस पे कौन है? 1 2 1 2 1 और 2 1 1, क्लियर। 1 2 1 2 1 और 1 1। और सी के प्लेस पे कौन है? सी के प्लेस पे कौन है? 2 12 12 1 2 1, ठीक है। 2 12 12 1 2 1। देखिए इसको हम लोग इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में रीड कर देंगे, क्या होगा? 2, बोलिए 2 करोड़ 12 लाख 12,121, ठीक है। अभी सी भी हो गया, है ना। डी और एल को नोट करते हैं, और डी हमारा क्या है? 11 करोड़ 22 लाख 11,222, है ना। तो हमारा 11 करोड़ 22 लाख और 11,222 ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, मतलब ए हो गया, सी हो गया, और डी हो गया, क्लियर। अब बी, और बी पे क्या है? देखिए बी पे हमारा क्या है? 12 करोड़ 12 लाख 12,121, क्लियर। अब ए भी हो गया, बी भी हो गया, सॉरी ए हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, और बी भी हो गया। ई बच रहा है 22 करोड़, क्या 22 करोड़ 11 लाख 22,111। सो स्टूडेंट्स, हमने इन सबको क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए देखिए आप साइन का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपकी बुक में दिया होगा तो आप इस साइन का यूज कर सकते हैं। सेमी कॉलोन की जगह पे आप इस साइन का यूज
कर सकते हैं। क्लियर। और ये अब आप देख लीजिए यहाँ पे वन क्या है, 1 करोड़ है, 21,21,211। यहाँ पे 2 करोड़ है, 12,12,121। यहाँ पे 11 करोड़ है, यहाँ पे 12 करोड़ है, और यहाँ पे 22 करोड़ है। तो स्टूडेंट्स ये आपका असेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया। इसी को जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो इसी अकॉर्डिंग करेंगे, बस इसको क्या करेंगे, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। वो आपका जो है कैसे बनेगा, ई बी डी सी और ए, बस नोट कर दीजिएगा नंबर्स को। क्लियर। तो स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आज हमने इसमें देख लिया, पार्ट 3 में हमारा लार्ज नंबर था। क्लियर। अब क्या हमने बताना है आपको, देखिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, आगे देखेंगे एग्जांपल्स जो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर का। अब अरेंज द 10 डिजिट्स, नेक्स्ट एक एग्जांपल है आप में, अरेंज द 10 डिजिट टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट द डिजिट नंबर पॉसिबल विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। देखिए एक क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक बेटा देखिए आपने प्रेडिसर सक्सीजर पढ़ लिया, कंपेरिजन ऑफ नंबर्स पढ़ लिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर लिया। अब मान लीजिए जैसे आपके घर में होता नहीं है कि अगर कुछ करना है तो उसके लिए आपको क्या मिल जाता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है। लाइक अगर आपको तहड़ी बनानी है, और तहड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल में मसाला, चावल, तेल, इन सब की जरूरत पड़ती है ना। तो उन छोटे छोटे चीज़ों से आप क्या कर लेते हो, तहड़ी बना लेते हो, खा लेते हो। इसी अकॉर्डिंग हम अपने नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, मान लीजिए आपको कुछ डिजिट्स दिए होते हैं, 1, 2, 3, वो कितने भी नंबर्स की डिजिट दी गई हो, यहाँ पे 5 है, 1 है, और 3, 2, 6, 7, 8, 4, 5, 1, 9, 0। अब आपके पास ये बेटा अलग अलग कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, और आपसे कहा जाता है कि इन नंबर्स का यूज करिए और स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, इन्हीं नंबर्स का यूज करिए और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 1 है। लेकिन आप तो कहेंगे सर 0 भी तो स्मॉलेस्ट है, लेकिन अगर हम 0 को पहले रखते हैं और 1 को बाद में रखते हैं तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आगे है, कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ अगर इस 1 के आगे इधर 0 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो स्मॉलेस्ट में करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं और लार्जेस्ट नंबर तक जाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1, फिर उसके बाद हमारा 0, फिर नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7, और नेक्स्ट 8, और नेक्स्ट 9। इनको क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए कॉलम के अकॉर्डिंग, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, लैख 10 लैख, करोड़, करोड़, 10 करोड़, ये करोड़ हो गया ना, और ये 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, and 10 crore। क्लियर स्टूडेंट, बोलिए। अब ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, हो गया नहीं हो गया बताइए, हो गया ना, हो गया नहीं हो गया बताइए, इससे भी छोटा बन सकता है, नहीं बन सकता। ग्रेटेस्ट करने के लिए कुछ ना करिए, 9 से स्टार्ट करिए, अब इसी को ग्रेटेस्ट बनाना है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 0। देखिए 0 अगर हम लास्ट में लगाते हैं ना तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो हमने ये ग्रेटेस्ट नंबर बना दिया। इसी अकॉर्डिंग बेटा आप सारे क्वेश्चंस को करिएगा जो आपको एक्सरसाइजेस में करना है। 1.2 एक्सरसाइज क्या करना है, कंप्लीट करना है फॉलोइंग सीरीज को सक्सीजन में, फिर फॉलोइंग सीरीज को प्रेडिक्शन में, फिर आपको कंपेयर करने हैं दो नंबर्स को, नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर जो हमने मतलब जितनी क्वेश्चंस आपको बताए हैं इसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आपको समझ में आए,
टॉपिक आपको समझ में आया आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आया जो प्रॉब्लम भी हो वो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा, जो डाउट्स हो वो हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।